town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Hello friends, myself Sushil Maurya, and today I will discuss about ores of iron. तो ओर्स ऑफ आयरन को मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको लर्न कराऊंगा। तो ये ओर्स ऑफ आयरन को जिस स्टोरी के माध्यम से हम लर्न करेंगे, वो स्टोरी मैंने लिया है यूपी से। और यूपी में उस समय एक अभी साल भर के पहले की बात है, 2017 में चल रहा था एंटी रोमियो स्क्वाड। तो उसमें तमाम प्रकार के लड़के लड़कियों को पकड़ा जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं स्टोरी किस प्रकार से। स्टोरी कुछ ऐसी है कि लैला और मजनू किसी पार्क में बैठे हुए हैं, तभी वहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड का जो दस्ता है, पुलिस वाले हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसमें से एक पुलिस वाला जो है वो लैला मजनू के पास जाता है और उनसे कहता है, गुस्सा होकर कहता है, हे लैला मजनू इधर चलो, यानी कि उनको अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तो उसमें से जो लैला है वो 23 साल की, उसकी एज 23 ईयर है, वो गुस्सा हो जाती है और वो रोने लगती है। तो उसने 3 आंसू बहाए, इसका क्या मतलब होगा हम समझेंगे। तो उसने 3 आंसू बहाए और लाल पीली हो गई पुलिस वाले के ऊपर। लैला जो 23 साल की है, वो उसने 3 आंसू बहाए और पुलिस वाले पर लाल पीली हो गई। तो अब इसमें मजनू कैसे पीछे रह सकता था, तो मजनू भी पुलिस वालों से भिड़ गया। तो जब पुलिस वालों से मजनू भिड़ गया, जो कि 34 साल का है मजनू जो है, लैला 23 साल की और मजनू 34 साल का है, वो 34 साल का मजनू पुलिस वालों से भिड़ जाता है। तो पुलिस वालों ने उसे पीट पीट कर काला कर दिया, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, आंखों को मार दिए काला हो गया, कुछ उसी प्रकार से जब पुलिस वालों से वो मजनू भिड़ जाता है, जो कि जिसकी ये 34 ईयर है, वो 34 ईयर है, वो पुलिस वालों से भिड़ गया। तो पुलिस वालों ने उसे पीट पीट कर काला कर दिया और उसे सीधे कोर्ट ले गए। और कोर्ट में जज ने एक फैसला सुनाया, जहाँ पर पाइराइट होता है वहाँ पर सल्फाइड लिखा जाता है। इसका पूरा मतलब किस प्रकार से होगा, हम इसमें पूरे में ओर्स ऑफ आयरन में अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार होगा, जो हेमेटाइट है इसको हम लिखेंगे हे लिमोनाइट लैला, मजनू मैग्नेटाइट सीधे सीधे सीडेराइट इधर, आयरन पाइराइट और चलो चेल्को पाइराइट, यार उसी को कहते हैं कॉपर पाइराइट, ये दोनों एक ही नाम है, चेल्को पाइराइट और कॉपर पाइराइट। तो कुछ इस प्रकार से हुआ, हे लैला मजनू सीधे इधर चलो। तो मैंने जो आपको कहानी बताई, वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और उसमें से एक पुलिस वाला बोलता है, हे लैला मजनू इधर चलो। तो लैला, इसको आपको हीमेटाइट वाला आप पहले ऐसे ही लर्न करिए, या P2O3। और इसमें से लैला जो 23 की है, लैला 23 की है, 23 या P2O3, लैला 23 की हो गई और उसने 3 आंसू बहाए, 3H2O, 3 पानी बहाए, 3 आंसू बहाए। लैला जो 23 साल की है या P2O3, उसने 3 आंसू बहाए और लाल पीली हो गई। इसका लाल पीली का मतलब ये हो गया, तो इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश येलो। रेडिश येलो इसका सिर्फ यही मतलब है, रेडिश येलो। लैला जो 23 साल की है, 23 साल की है, उसने 3 आंसू बहाए, 3H2O, और वो लाल पीली हो गई। मजनू जो 34 साल का है, वो पुलिस वालों से भिड़ गया, तो पुलिस वालों ने उसे मार मार कर काला कर दिया। तो इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है। अब उसके बाद उसको जब पिटाई उनकी हो गई, तो उनको पुलिस वाले कोर्ट लेकर गए।
कोर्ट कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट कोर्ट ले गए और वहाँ पर इसको आपको ये लर्न कर लेना है आयरन पायराइट, इधर से आयरन पायराइट और चलो से चेलको पायराइट या कॉपर पायराइट। तो उसने कोर्ट वाले कोर्ट में जो जज है उसने ऑर्डर दिया जहाँ पर पायराइट होता है वहाँ पर सल्फाइड जरूर आता है, तो यहाँ पर भी पायराइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह पायराइट है। तो यहाँ पर भी ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, यानी कि जहाँ जहाँ सल्फाइड यहाँ पर पायराइट आएगा वहाँ पर सल्फाइड ज़रूर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कहानी के माध्यम से। कहानी थी हे लैला मजनू इधर चलो। तो लैला जो 23 की है वो उसने तीन आंसू बहाए, लैला जो 23 की है उसने तीन आंसू बहाए और मजनू जो 34 का है वो यह देखकर वो भिड़ गया पुलिस वालों से और पुलिस वालों ने उसको पीट पीट कर ब्लैक कर दिया और उसके बाद दोनों को पकड़ कर कोर्ट ले गए और कोर्ट में जो जज है उसने बताया, उसने उसको आदेश दिया जहाँ पर पायराइट होता है वहाँ पर सल्फाइड लिखा जाता है, जहाँ पर पायराइट होगा वहाँ पर सल्फाइड ज़रूर आएगा, या PH2 CU या PH2 आपको इस तरीके से इसको लर्न कर लेना है। इस प्रकार ओर्स ऑफ आयरन ख़त्म हुआ। आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इस प्रकार से आप इसको लर्न कर लीजिए, काफ़ी आसानी से आपको लर्न हो जाएगा।